हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर अर्शद समद। आज मैं फिर से आया हूँ एक नए पेशेंट के साथ में। इनका भी आज ट्रीटमेंट खत्म हो गया है। इनके ट्रीटमेंट को भी कम से कम 1.5 साल हो गया है। आज इनका हमने जो ब्रैकेट होता है वो निकाला है और पिछली पेशेंट की तरह इन्हें भी रिटेनर दिया हुआ है। और इन पेशेंट में एक नई बात है। नई बात ये है कि इनमें एक्सट्रैक्शन हुए हैं लेकिन 4 दांत नहीं निकाले गए हैं, इनमें सिर्फ एक ही दांत निकाला गया है। पेशेंट्स पूछते हैं मुझसे कि कौन से दांत निकाले जाते हैं, तो मैं बताना ही चाहता हूं उनको इस वीडियो के माध्यम से कि ज़रूरी नहीं है कि उनके इसमें 4 दांत ही निकाले जाए, हो सकता है 2 दांत भी निकाले जाए और हो सकता है 1 दांत भी निकाला जाए, हो सकता है 3 दांत भी निकाले जाए। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पेशेंट्स के साथ में अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान के साथ में अलग अलग एक्सट्रैक्शंस किए जाते हैं। तो इनके केस में हमने एक ही दांत निकाला है। तो इसी पूछते हैं कि जब दांत निकाला गया था तो कोई दर्द हुआ था, तकलीफ हुई थी, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो इनसे हम पूछते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है? हेलो, दिस इज अपूर्वा। जब दांत निकाला था तब एनेस्थेशिया दिया था तो मुझे कुछ भी पेन नहीं हुआ था। इवन जब ब्लीडिंग वगैरह था तो मतलब मुझे अच्छे से गाइड किया गया कि घर पे जाके ठंडा पानी एकदम से नहीं पीना है, लाइक कुछ टाइम खाना नहीं है, कुछ टाइम पीना नहीं है। सो लाइक प्रॉपरली गाइड किया गया था और मुझे पेन बेसिकली कुछ भी नहीं हुआ था। सो मेन यही होता है कि जब आपको एडवाइस दिया जाता है तो आपको वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। इनके केस में एक ही दांत निकाला गया था, तो इनसे पूछते हैं कि जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है उसको लेकर के इनकी क्या राय है, क्या ये और जो पेशेंट्स हैं उनको एडवाइस करेंगे, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे वीडियोस देखते हैं, जो जानना चाहते हैं कि ट्रीटमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इनसे हम पूछते हैं कि क्या ये ट्रीटमेंट आप किसी और को सजेस्ट करेंगे कि हाँ ये अच्छा है या फिर ख़राब है, आपके क्या ओपिनियन है इसको लेकर? ब्रेसेस का ट्रीटमेंट बेसिकली जहाँ तक मैंने रूमर्स देखे थे कि बोलते हैं कि लाइक बहुत पेन होता है, मतलब पूरा साल भर पेन होता है, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए पेन नहीं था। जब मैंने ब्रेसेस लगाए, ऑफकोर्स अपने दांत पे कुछ नया सा होता है तो कुछ पीरियड के लिए वो पेन होता है, विच इज़ एक्सेप्टेड। कुछ भी नया चीज़ होता है तो उसको चेंज होने में टाइम लगता है, बट इतना भी नहीं लगता है कि एक पॉइंट आता है कि वो चीज़ ना हमारे लिए वो यूज्ड हो जाता है। तो मतलब मुझे तो लगता है कि रेकमेंड करूँगी कि अगर तुमको सही में कुछ ब्रेसेस लगाने का सोच रहे हैं और ऐसा पेन का कुछ इशू है तो आई विल रेकमेंड यू टू गो फॉर द ब्रेसेस। और पेन वगैरह तो ऐसा कुछ र्यूमर्स जो है वो सारे मिथ्स है, सो दैट इज़ ऑलरेडी फॉल्स। तो इन्होंने मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए। मेरे सारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं इसके बारे में, इन्होंने आई थिंक सारे ही जवाब दे दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।